दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं नीलकमल कंपनी का मल्टीपर्पज प्लास्टिक स्टोरेज कैबिनेट। इस तरीके के बॉक्स पैकिंग में आता है। इसकी अगर साइज देखें तो 2x2 फीट की साइज है। देखिए इस तरीके का पैकेजिंग में आता है। इसके सभी पार्ट्स अलग अलग रहते हैं, इसको फिट करना पड़ता है। तो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। देखिए अलग अलग हिस्सों में आता है पूरा कैबिनेट। देखिए इसके अंदर से ये मैनुअल निकला है। अगर आप घर पे इसको इंस्टॉल करते हो तो कैसे इंस्टॉल करना है, इसको हम वापस बॉक्स में डालते हैं। देखिए इसके अंदर से अलग अलग हिस्से निकले हैं इस तरीके के। ये ऑलमोस्ट पजल जैसा है जो बच्चे खेलते हैं और वापस कैसे वो पजल फिट करते हैं, इस तरीके से इसको भी फिट करना पड़ता है। दोस्तों इस बॉक्स में से टोटल इतने पार्ट निकले हैं। ये वाला बेज है, ये वाले दोनों डोर है, ये सारे अलग अलग पार्ट है। देखिए इसको अब हम फिक्स करेंगे इस बेज के ऊपर। ये वाला रूफ का हिस्सा है। हमारे साथ विशाल जी है, वही इंस्टॉल करके हमको दिखाएंगे। इसको आप मल्टीपर्पज के तौर पे भी यूज कर सकते हो। शू रखने के लिए जो शू स्टैंड आता है वहाँ पे भी इसको यूज कर सकते हो। और तो और जो कपड़े वगैरह है, कोई भी स्टोरेज, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ इसके अंदर स्टोरेज करनी है तो आप कर सकते हो। ये वर्जिन प्लास्टिक का बना हुआ होता है ताकि इसके ऊपर वेदर वगैरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आमतौर पर जो लकड़ी की अलमारी वगैरह आता है उसके अंदर वेदर का इफेक्ट होता है, मगर इसके अंदर वेदर का इफेक्ट इतना होता ही नहीं है क्योंकि ये वर्जिन प्लास्टिक ही है पूरा। तो ये लाइट वेट होता है लकड़ी की कंपैरिजन में। और जेब में भी अगर देखें जेब के हिसाब से तो भी थोड़ा लाइट वेट होता है लकड़ी की कंपैरिजन में। देखिए ये पूरा रेडी हो गया ऑलमोस्ट। अब इसके अंदर एक कंपार्टमेंट और आप इसके अंदर रख सकते हो। इसकी हाइट आप सिलेक्ट कर सकते हो कितनी हाइट में आपको रखना है। देखिए इसके अंदर इस तरीके के छेद दिए हुए हैं तो कहीं पे भी आप इसको सेट कर सकते हो। इसको निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो। तो देखिए इसको आप शू रैक के तौर पर भी यूज कर सकते हो और कोई भी प्रोडक्ट इसके अंदर रखनी है तो भी एज अ स्टोरेज कैबिनेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये पूरा लाइट वेट है। देखिए इस तरीके से इजीली आप इसको क्लोज कर सकते हो और लाइट वेट इतना है कि एक बंदा आराम से इसको उठा के चला जाएगा, तो पूरा लाइट वेट रहेगा। देखिए ये पीछे का हिस्सा है, अगर नीचे का हिस्सा देखें तो इस तरीके का फ्लैट रहता है। इसके अंदर अलग अलग कलर्स अवेलेबल रहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसके अंदर कलर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इसका डायमेंशन देखें तो 2x2 फीट का इसका डायमेंशन है, 2x2 फीट का पूरा कबर्ट है। और इसका अगर डेप्थ देखें, यहाँ पे जो स्पेस मिल रही है वो ऑलमोस्ट अगर देखें तो आपको 12 इंच के आसपास डेप्थ मिल रही है। तो इनफ स्पेस है अंदर का शू रखने के लिए, तो ज़्यादा मैं इसको प्रीफर करूँगा। घर के बाहर अगर शू रखने के लिए इसको रखा है तो ये बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो वुडन के आते हैं उसकी कंपैरिजन में। अगर कॉस्ट वाइज देखें तो इसका जो कॉस्टिंग है ऑलमोस्ट 2400 रुपीज़ के आसपास रहता है। तो कंपेयर करें अगर वुडन के साथ तो ये बहुत ही सस्ता पड़ता है वुडन की कंपेरिजन में।
तो ये वैसे भी ब्रांडेड कंपनी का है, नीलकमल कंपनी का है। अलग अलग कंपनीज भी इस तरीके के स्टोरेज कैबिनेट बनाती है, यानी कि सेलो हो गया, ये नेशनल कंपनी भी बनाती है, नेशनल भी बनाती है, तो अलग अलग कंपनी बनाती है। आप कोई भी कंपनी का सिलेक्ट कर सकते हो, सारी अच्छी ही कंपनी है, क्योंकि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हम आपको यहाँ पे जेन्युइन रिव्यू देते हैं कि इस तरीके का प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।